एक भेड़िया ने उस मुर्दे को देखा, सोचने लगा बोलो मेरे गयो शिकार, वैसे भी भूखा था। भेड़िया उस मृतक शरीर को उसे खाने के लिए चला। तब तक एक संत उधर से निकल के जा रहे थे। संत ने आवाज लगाई, रे रे जुम्मक मुंच मुंच सहशाम। जुम्मक कहते हैं शियार को, शियार भेड़िया। संत ने आवाज लगाई, रे भेड़िया ले शियार, तुम इसे मत खाना। बोले क्यों? तो संत ने कहा इसे मत खाना। श्यार कहने लगा मैं तो इसके हाथ खाऊंगा, मैं तो इसके हाथ खाऊंगा। हस्तौ दान विवर्जितौ, संत ने कहा हस्तौ दान विवर्जितौ। बोले इसके हाथ भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि इसके हाथों ने कभी दान नहीं किया है, कभी किसी की सेवा नहीं कर पाई है इन हाथों से, इसलिए हस्तौ दान विवर्जितौ, यानी इसके हाथ भी खाने योग्य नहीं है। श्यार बोला महाराज फिर क्या करूं? इसकी आंखें निकाल लूं? बोले आंखें भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों? इसकी आंखों ने संतों के या भगवान के भक्तों के या भगवान के कभी दर्शन नहीं किए। श्यार बोला महाराज तो क्या करूं, इसके कान खालू मैं? बोले कान भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों? इसके कानों ने कभी हरि चर्चा को नहीं सुना है, निंदनीय है इसके कान। तो श्यार कहने लगा महाराज तो फिर क्या करो, इसके पैर खा लो? बोले पैर भी नहीं खाना। बोले क्यों? इसके पैरों ने कभी तीर्थों में गमन नहीं किया है। श्यार कहने लगा महाराज फिर आप ही बताइए क्या करूं मैं, इसका पेट खा लो? संत हंस करके कहने लगे ना ना ना, रे रे जुम्मक मुंच मुंच, इसका रे रे श्यार सुन मेरी बात, इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे पापों की जड़ तो इसका पेट ही है, सारे पापों की जड़ तो पेट ही है प्यारे। इसलिए कहते हैं इन इंद्रियों का होना सार्थक तभी है जब इन्हें भगवान के भक्तों की सेवा में या संतों की सेवा में या भगवान की सत्संग में या पूजा में या तीर्थों में इन्हें इस इंद्रियों को गमन कराया जाए, तभी ये हमारी इंद्रियां सार्थक हैं, वरना मरे हुए मुर्दे के समान है। नियत कर्म धर्माय विरागाय कल्पते। प्यारे इस शरीर में अगर किसी व्यक्ति ने भगवान से या किसी संत से या किसी भगवान के भक्त से नेह नहीं कर पाया, भगवान के प्रति वैराग्य नहीं बैठ पाया, दान धर्म नहीं कर पाया, तो ऐसा शरीर जीवित होते हुए भी मुर्दा के समान है, मुर्दा है, जीवित होते हुए मुर्दा है। प्यारे सांसारी लोगों को दिखेगा कि जीवित है, कि सच में वो मरा हुआ मुर्दा है, जिन्हें जिसने इन इंद्रियों को सार्थक नहीं कर पाया। बोलिए गोविंद भगवान की। कल की बेला में आप सभी ने बड़े ध्यान मग्न होकर भगवान की कथा को सुना। किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राजकृष्ण ने